हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं कपिल संत आप सभी का नई वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, तस्वीरें आप लोग देख सकते हो, इधर मैं अभी खड़ा हुआ हूं पूजा कॉलोनी पावी पुस्ता पर दोस्तों, क्योंकि आपको बता दूं ये ट्रैक्टर आ रहा है, इससे बिल्कुल सीधे सीधे जाएंगे दोस्तों तो लोनी और सादरा के लिए बिल्कुल सीधे सीधे निकल जाएंगे दोस्तों। और अगर हम यहाँ से ये राइट में लेते हैं दोस्तों तो ये आ जाएगा पावी पुस्ता, और पावी पुस्ता से फिर खजूरी से फिर आपको निकल जाएगा ये शास्त्री पार्क होते हुए ये सीधा गांधीनगर और आपका गीता कॉलोनी होते हुए अक्षरधाम के लिए निकल जाएगा दोस्तों। तस्वीर आप लोग देख सकते हैं, इधर ही ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस में चला जाता है सीधा गीता कॉलोनी होते हुए अक्षरधाम के लिए। ये खजूरी पिस्ता और ये है दोस्तों खजूरी पिस्ता, देख सकते हो ये ट्रक सीधे आ रहे हैं सादरा की साइड पर। और इधर हम चलेंगे ये बागपत के लिए दोस्तों, देख सकते हो ये बागपत के लिए जा रहा है। इधर ईस्टर्न पेरिफेरल पर जाकर इसका एंड हो जाएगा इस एलिवेटेड हिस्से का दोस्तों, तो देख सकते हो आगे। और ये आपको बता दें कि पियर कैप का काम किया जा रहा है, तो चलो मैं आपको पास से ही दिखाता हूँ चल के। ये है दोस्तों पावी पुस्ता, देख सकते हो पूजा कॉलोनी, ये बनाया जा रहा है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे को दोस्तों, तस्वीरें देख सकते हो। तो ये पिलर नंबर 15 और वो है पिलर नंबर 16, तो इस तरीके से स्टार्ट किया गया है। और देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पर ये पियर कैप बनाए जा रहे हैं दोस्तों, मतलब कि जहाँ बनाने का स्पेस है, जहाँ जगह है ज़्यादा, वहाँ तो आपको बता दूँ कि इस तरीके से बनाया जा रहा है। ये सेटिंग लगा कर दोस्तों, ये देखो इसके ये पियर रखे हुए नीचे के, ये इस तरीके से बनाए जा रहे हैं। और जहाँ स्पेस नहीं है वहाँ पर इसको जो पियर कैप के जो बिंग्स हैं उनको ऊपर ही ऊपर ऐड किया जा रहा है, तो वो आप सभी को आगे देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। आगे चलते हैं करावन नगर और जो मंडोला विहार परियोजना है उस साइड में दिखाएंगे चल के आप सभी को आगे, तो किस तरीके से ये पियर कैपिंग का काम किया जा रहा है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे के ऊपर दोस्तों। देख सकते हो ये सन 2024 में इसको बना के कम्प्लीट देना है दोस्तों NHAI को, तो हैंड ओवर किया जाएगा दोस्तों। तस्वीरें देख सकते हो सेटिंग लगी हुई है और पियर कैप किस तरीके से बनाए जा रहे हैं, देखो यहाँ पर लाग लग चुकी है। तो यही है नज़ारे, देखो आप सभी देखो, अभी तो इधर भी बनाया जाएगा, ये सारा रोड बनाया जाएगा नीचे का भी, अभी तो ऊपर का ही तो एलिवेटेड पार्ट बनाया जा रहा है जो पियर कैप का काम किया जा रहा है दोस्तों, देख सकते हो तस्वीरें आप सभी। तो यही वर्क चल रहा है, पर अभी आगे और दिखाते हैं चल के आगे क्या क्या वर्क चल रहा है दोस्तों। अभी तो मैं पावी पुस्ता को क्रॉस करता हुआ आया हूँ, पावी पुस्ता पे देखा आप सभी ने किस तरीके से यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है तेज़ी के साथ में, और किस तरीके से पियर कैप बनाए जा रहे हैं जैसे दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे के ऊपर दोस्तों। तो आगे दिखाते हैं आप सभी को चल के। Thank you.
पीछे तो वहीं पे उसमें ही पियर कैप बनाए जा रहे थे दोस्तों, और यहाँ पर देख सकते हो किस तरीके से ये पियर बना दिए। फिर इसमें बिंग्स को ऐड किया जाएगा और यहाँ से देख सकते हो ये गाटर लॉन्चिंग की जा रही है, एक पिलर से दूसरे पिलर को कनेक्ट किया जा रहा है दोस्तों इन गाटरों के द्वारा दोस्तों। और गाटर को जॉइंट कर देने के बाद अब इस पर फ्लोरिंग का काम स्टार्ट कर दिया जा चुका है। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर टीम लगी हुई है दोस्तों। जो कंपनी यहाँ पर वर्क कर रही है वो है सीगल कंपनी द्वारा, इसको एलिवेटेड हिस्से को बनाया जा रहा है दोस्तों। सारे में गाटर लॉन्चिंग कर देने के बाद में ये फ्लोरिंग का काम किया जा रहा है दोस्तों। इस पर फ्लोरिंग हो जाने के बाद में इस पर फिनिशिंग का काम किया जाएगा और उसके बाद में इस पर दोस्तों फिर क्या कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये देख सकते हो तस्वीर है कुछ इस तरीके से, यहाँ डेली धैली दोनों एक्सप्रेसवे का जो वर्क है वो किया जा रहा है। देख सकते हो एक पिलर से दूसरे पिलर को कनेक्ट कर दिया है ये गडर के द्वारा दोस्तों। ये देख सकते हो ये सारे में गडर लॉन्चिंग कर दी है, अब इस पर फ्लोरिंग का काम किया जा रहा है। उस साइड में देख सकते हो ये बीच में, ये देख सकते हो ये खंभे लगा रहे हैं, इसको जोड़ा जाएगा बीच बीच में और फिर इस पर फ्लोरिंग का काम कर दिया जाएगा। तो यही नज़ारे हैं दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे के दोस्तों। और जो जगह है दोस्तों वो है करावन नगर, ये देख सकते हो आगे के अभी पियर कैप नहीं बने हैं तो आगे के बनेंगे अभी देखो। बीच में जितने भी ये पियर बचे हुए थे दोस्तों उन पे पियर कैप बनाने का काम चल रहा है। देख सकते हो जहाँ स्पेस है वहाँ तो वो ये खुद ही बना रहे हैं, वहाँ पर ये देखो ये लगे हुए हैं डंडे, ये देखो पियर बना दिए हैं ना लोहे के, फिर इनके ऊपर ये रखा जाता है। और ये बीच में मकान आ रहा था तो ये तोड़ा जाएगा, साइडों से ये निकाल दिया दोस्तों। और ये आ चुका है दोस्तों क्या, जो मंडोला विहार है उसके सामने ये रैंप बनाया गया है दोस्तों। और ये रैंप किस तरीके से बनाया दोस्तों, ये देख सकते हो कुछ इस तरीके से ये पियर कैप बनाए गए हैं और ये रैंप है, ये बन के कम्प्लीट हो गया, थोड़ा बहुत ही वर्क बचा है। तो किस तरीके से यहाँ पर देख सकते हो ये पियर कैप बनाए गए हैं दोस्तों, और ये साइडों में बनाया गया है इस पर चढ़ने और उतरने के लिए। ये देख सकते हो ये रैंप है, ये चढ़ने उतरने के लिए बनाए गए हैं ये वाले पिलर ये, और ये रैंप बनाया है किस तरीके से देख सकते हो। ये अर्थवर्क का काम हो चुका है कंप्लीट, ये देख सकते हो ये बिल्कुल लेबलिंग का लिया है। एक साइड तो इस पर ब्लैक टॉप हो चुका है उस साइड में, इस साइड का भी बचा हुआ है। और ये है मंडोला विहार परियोजना, ये देख सकते हो तस्वीरें। तो ये नज़ारे हैं यहाँ के, और इधर भी आप लोग देख लो कि इधर क्या क्या वर्क चल रहा है, इधर भी आप सभी का देखने के लिए मिलेगा दोस्त। देखो इस साइड में इस तरीके से बनाया जा रहा है, देखो इधर का भी बन गया, ये देखो ये बना रहे हैं ना रोड, ये देखो बन गई है। और इधर देखो अभी ये मकान, ये वाला मकान टूटेगा, पूरा टूट जाएगा दोस्तों। तो यही वर्क चल रहा है। अब आप लोग बताओ कि आप सभी को ये अपडेट कैसा लगा, ऐसे ही अपडेट देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोज़ देखते रहो केपी संत के चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्तों देख सकते हो सारे में पियर कैप का काम हो चुका है, पियर कैप बन चुके हैं, अब इन पर गाटर लॉन्चिंग की जाएगी दोस्तों। और गाटर लॉन्चिंग कर देने के बाद में इस पर भी अभी गाटर लॉन्चिंग होगी दोस्तों। तो देखो ये रैंप जो कि बन के कम्प्लीट हो चुका है, अभी आधा रैंप बन पाया है, आधा अभी रह गया है बाकी। ये देखो किस तरीके से ये रैंप को बनाने का काम किया जा रहा है दोस्तों मंडोला विहार
परियोजना के सामने दोस्तों, उधर भी रैंप है और इधर भी रैंप बनाया है इन्होंने, देखो। तो अभी देखो ये वाला अभी मिट्टी ये अभी डालने के लिए बची हुई है, बाकी ये देखो ये साइड वॉल इन्होंने लगा दी है। और इधर तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर ये DBM की लेयर को कंप्लीट कर दिया जा चुका है बिछा के दोस्तों। ये देखो ये DBM की लेयर को पहले ये सिंगल पड़ती है फिर ये डबल पड़ती है, तो ये बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। अभी इधर की लेयर बची हुई है, इस पर भी अब देखो ये कंक्रीट की लेयर डाली जाएगी, ये वाली वो उधर देख रहे हो वो वाली लेयर इधर बिछाई जाएगी और फिर उसके बाद में ये ब्लैक टॉप किया जाएगा। तो यही नज़ारे हैं दोस्तों, और चलते हैं आगे, आगे भी आप लोगों को दिखाते हैं चल के। तो यही सीन है, और आप लोग बताओ कि आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों। देख सकते हो आप लोग किस तरीके से वर्क किया जा रहा है, देखो चारों तरफ आप लोगों को मैं दिखाई दे रहा हूँ। देख सकते हो ये अभी साइड वॉल का काम अभी ये इधर किया जाएगा, इधर मिट्टी डाली जाएगी क्योंकि इधर मिट्टी नहीं पड़ी है अभी दोस्तों। और आपको बता दूँ जो सर्विस लेन है उसको ये मकान तोड़ा जाएगा, और तोड़ने के बाद में फिर ये बिल्कुल सीधा सीधा हो जाएगा दोस्तों। तो यही वर्क है, और आप लोग बताओ कि आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए KP संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और ऐसे ही वीडियोज़ देखते रहो KP संत के चैनल पर दोस्तों। तो आप लोग बताओ कि आप सभी को ये अपडेट कैसा लगा, और ऐसे ही अपडेट देखने के लिए और जानने के लिए KP संत को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और ऐसे ही अपडेट देखने के लिए KP संत के चैनल पर दोस्तों, जो कि KP संत पर डे आप लोगों को के बीच में लाता रहता है और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता है दोस्तों। देख सकते हो इस पर, आपको बता दूँ क्या, देखो ये पैराफिट बॉल लगा दिए हैं, और ये पैराफिट बॉल लगाने के बाद में ये देखो ये जितने भी सरिये निकल रहे हैं ना इनको बिछा दिया जाएगा, फिर इसके ऊपर ये DBM की लेयर बिछा दी जाएगी, और लेयर बिछाने के बाद में ये बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। जैसा कि देखो वो ढक दिया है वहाँ पे, उसी तरीके से यहाँ पर भी इसको ढक दिया जाएगा दोस्तों। तो यही है सारा वर्क। तो ऐसे ही देखो अपडेट मैं आप लोगों के बीच में दोस्तों लाता रहता हूँ, और आप लोगों को दिखाता रहता हूँ। आप लोगों को इन्फॉर्मेशन कैसा लगा आप हमें नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। अच्छा लगा हो लाइक कर देना, और कमेंट करके ज़रूर बताया करो। देख सकते हो कैसे ही अपडेट मैं आप लोगों के बीच में लाता रहता हूँ भाई। मज़ा आया नहीं आया आप लोगों को देख के, क्योंकि ये सन 2024 में ये बन के कम्प्लीट हो जाएगा, आम पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा दोस्तों। ये 210 किलोमीटर का रूट है दोस्तों, दिल्ली से, दिल्ली के सरायकाले खान से लेकर, और ये जाएगा दोस्तों उत्तराखंड के देहरादून में जाके इसका एंड हो जाएगा दोस्तों। तो अभी आप लोगों को इसका ग्रीन फील्ड एरिया भी आप लोगों को दिखाने वाला हूं। अभी तो आप लोग ब्राउन फील्ड देख रहे हो, यानी कि ये कैसा लगा ये अपडेट आप सभी को आप हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए KP संत को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों। और ये है मंडोला विहार के सामने दोस्तों, ये देख सकते हो ब्लैक टॉप कर दिया जा चुका है, दूसरी साइड का बचा हुआ है अभी ब्लैक टॉप होने के लिए, उस पर अर्थवर्क का काम किया जा रहा है, तस्वीरें देख सकते हो। तो यही वर्क है, यहाँ पर ये रैंप उतर जाता है और बीच में आ जाता है। तो ऐसे वीडियो देखते रहो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत गाइस। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, मैं आप सभी से।